पहली बॉल पर बोल्ड हुए धोनी, देश पांडे ने एक ही ओवर में बेरस्टो रूसो को बोल्ड किया, माही नैलप का शानदार कैच। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2024 के 53वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को 28 रन से हराया। धर्मशाला के मैदान पर रविवार को पंजाब ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। चेन्नई ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 167 रन बनाए। जवाब में पंजाब 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 139 रन बना सकी। मुकाबले में सीएसके के विकेटकीपर और पूर्व कप्तान एमएस धोनी खाता नहीं खोल सके। वे अपनी पहली ही बॉल पर हर्षल पटेल की यॉर्कर पर बोल्ड हो गए। दूसरी ओर चेन्नई ने शानदार बॉलिंग की। टीम के पेसर तुषार देश पांडे ने पंजाब की इनिंग्स के दूसरे ओवर में ही दो ओवरसीज प्लेयर्स को बोल्ड कर दिया। भले ही धोनी बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन विकेट कीपिंग करते हुए जितेश शर्मा का शानदार कैच लपका। शशांक से छूटा शार्दुल का कैच। मैच के दौरान शशांक सिंह से शार्दुल ठाकुर का कैच छूट गया। 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर सेम करण ने शार्दुल को लेग स्टंप की और लेंथ बॉल फेंकी। इसे शार्दुल ने डीप मिड विकेट की ओर खेला। वहां फील्डिंग कर रहे शशांक कैच लेने के लिए तैनात थे, हालांकि गेंद उनके हाथों से छिटक गई और बॉल बाउंड्री रॉप के बाहर सिक्स के लिए चली गई। तब शार्दुल 10 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। कगिसो रबाडा ने लिया डाइविंग कैच। कगिसो रबाडा ने शानदार कैच लपका। दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर अर्शदीप सिंह ने अजिंक्य रहाणे का विकेट लिया। इस बॉल पर रहाणे ने मिड विकेट की ओर शॉट खेला। वहां फील्डिंग कर रहे कगिसो रबाडा ने शानदार क्विक ड्राइविंग कैच लपका। हर्षल ने धोनी को पहली बॉल पर बोल्ड किया। 19वीं ओवर की 4थी बॉल पर शार्दुल ठाकुर के विकेट के बाद एमएस धोनी बल्लेबाजी करने आए। अगली बॉल पर हर्षल पटेल ने स्लोअर यॉर्कर फेंकी। इसे धोनी पिक नहीं कर सके, उन्हें लगा कि यह फुल टॉस होगी। बॉल अंदर आई और सीधे स्टंप पर जा लगी। धोनी को बिना रन बनाए पवेलियन लौटना पड़ा। राहुल चाहर ने 2 बॉल पर 2 विकेट लिए। पंजाब के स्पिनर राहुल चाहर ने लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट लिए। 8वें ओवर में चहर ने अपने स्पेल की शुरुआत की। स्पेल की पहली ही बॉल पर ऋतुराज गायकवाड़ कॉट बिहाइंड हो गई। विकेट कीपर जितेश शर्मा ने उनका कैच लपका। इसके बाद ओवर की दूसरी ही बॉल पर शिवम दुबे आउट हो गए। चाहर ने उन्हें गुगली फेंकी। शिवम के बल्ले से लगकर बॉल सीधे जितेश के हाथों में आ गई। देशपांडे ने एक ही ओवर में 2 बोल्ड किए। तुषार देशपांडे ने अपने स्पेल के पहले ही ओवर में 2 विकेट लिए। दोनों ही विकेट उन्होंने बोल्ड कर हासिल किए। पहला विकेट जॉनी बेयरस्टो का आया। ओवर की तीसरी बॉल पर देशपांडे ने लेंथ बॉल फेंकी। बॉल सीधे बल्ले से लगकर पैड्स पर लगी और ऑफ स्टंप पर जा लगी। दूसरा विकेट 5वीं बॉल पर आया। लेग साइड में फेंकी लेंथ बॉल को रायली रूसो समझ नहीं सके और बॉल स्विंग होकर सीधे ऑफ स्टंप पर जा लगी। धोनी ने लपका शानदार कैच। सीएसके के विकेट कीपर एमएस धोनी ने विकेट के पीछे शानदार कैच लपका और जितेश शर्मा को पवेलियन लौट आया। 10वें ओवर में सिमरजीत ने ऑफ स्टंप की और शॉर्ट बॉल फेंकी। जितेश ने बैक फुट पर शॉर्ट खेलने का प्रयास किया, लेकिन बॉल का बाउंस ज्यादा था और बल्ले का बाहरी किनारा लग गया। स्टंप के पीछे खड़े धोनी ने हवा में जंप किया और बिना किसी हिचकिचाहट के गेंद को पकड़ लिया। अंपायर को लगी बॉल। पंजाब की इनिंग्स के 19वें ओवर में कगिसो रबाडा की बॉल सीधे अंपायर को जा लगी। ओवर की रिचर्ड ग्लीसन 4थी बॉल पर रबाडा ने सामने की ओर शॉट खेला और बॉल सीधे विकेट कीपर के हाथों में जा गिरी। हालांकि अंपायर को किसी प्रकार की चोट नहीं आई।